देखो भाजपा कुछ मर्जी कहती रहे, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये राज्यसभा के चुनाव शुद्ध रूप से संख्या बल पर निर्धारित होते हैं। ये अफवाहों पर या क्लेम पर या प्रलोभन पर कोई समझ नहीं होता। हमारा जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे विधायकों की जो स्ट्रेंथ है उसके आधार पर आलाकमान ने यहाँ पर भेजे थे। और तीनों कैंडिडेट, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, हमारे तीनों कैंडिडेट अच्छे वोटों के साथ जीत कर जाएंगे और राजस्थान की आवाज़ को बुलंद करेंगे दिल्ली के। आज जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, हम सभी जानते हैं क्यों हो रहे हैं। अधिकांश राज्यों में ये चुनाव बिना कंटेस्ट के होते हैं, क्योंकि जिस पार्टी के पास जितना संख्या बल है उसके आधार पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। कुछ राज्यों में भाजपा ने जितनी उनकी स्ट्रेंथ थी उससे ज़्यादा लोग खड़े करे हैं। आज राजस्थान में चुनाव है 4 सीटों पर, और यहाँ पर कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार खड़े करे हैं। भाजपा ने 1 उम्मीदवार खुद का खड़ा किया है और 1 कथित रूप से निर्दलीय है, लेकिन वो भाजपा के ही 10 विधायकों ने उनका समर्थन किया उनके नामांकन में। कांग्रेस के पास हमारे खुद के विधायक, हमारे सहयोगी दलों के विधायक और हमारे निर्दलीय जो हमारे को समर्थन कर रहे हैं पिछले 3 साल से, उन सबकी संख्या बल मिलाकर 125 से ज़्यादा होती है। और अब जब मतगणना होगी शाम को, मुझे लगता है कि जितनी हम लोगों को उम्मीद थी उससे ज़्यादा वोट हम लोगों को मिलेंगे। और हमारे तीनों प्रत्याशी मुकुल वासनिक जी, रणदीप सुरजेवाला जी और प्रमोद तिवारी जी अच्छे बहुमत के साथ, जितना हम अनुमान लगाते हैं उससे अधिक मतों के साथ जीत कर जाएंगे। और तीनों ऐसे नेता हैं जिनको सोनिया जी, राहुल जी ने राजस्थान में भेजा है ताकि अपर हाउस में, राज्यसभा में एक प्रबल आवाज बनकर भाजपा की सरकार का विरोध कर सकें, क्योंकि राष्ट्र पार्टी होने के नाते हमें ज़रूरत है ऐसी मुखर आवाज़ों की जो राज्यसभा में राजस्थान की बात को रख सकें। इसलिए तीनों उम्मीदवार जीत कर जाएंगे, इसमें किसी को कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। और जो विधायकों को साथ रखने की बात कई बार कही जाती है, मैं मानता हूँ ये आवश्यक इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी विधायक नहीं चाहता था उस पर कोई दबाव पड़े, और अब लगभग हर दल, हर पार्टी, हर राज्य में, हर चुनाव में ऐसा करने के लिए विवश हो गई है। ये परंपराएं पहले नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति पैदा हुई है पिछले 5-7 सालों में देश में कि अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। तो अपनी इच्छा से सब विधायक ने ये चाहा कि हम इकट्ठा रहें, हम सब इकट्ठा रहे 5-6 दिन उदयपुर में, कल जयपुर आ गए थे, लेकिन अच्छे माहौल में एकजुटता से सभी विधायकों ने अपना वोट वो कास्ट कर रहे हैं। शाम तक मतगणना हो जाएगी और राजस्थान में कांग्रेस की तीनों हमारे उम्मीदवार भारी मतों से जीत कर रहे हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के 4 राज्यों में 16 सीटों पर आज सुबह से ही राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। इसी बीच हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की। जी हाँ, जिस तरह से सुबह से ही राजस्थान में 4 सीटों को लेकर वोटिंग हो रही है, इस पर क्या कुछ अपडेट है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा ये विश्वास जताया जा रहा है, उनके नेताओं की ओर से इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि इन चुनाव में तो जीत कांग्रेस पार्टी की ही होगी, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आसिफ। आसिफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आसिफ, जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर जो गहमा गहमी का एक माहौल बना हुआ था, लगातार नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी था, अब इसी बीच सुबह 9 बजे से ही राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है। और अब इसी बीच अगर बात करें सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट ने एक बड़ा बयान दे दिया है। सचिन पायलट ने अपने बयान में कहा है कि तीनों सीटों पर उनकी जीत जो है वो निश्चित है। आखिर क्या लगता है कि किस बिना पर सचिन पायलट ने इतना बड़ा दावा कर दिया, क्योंकि जिस तरह से लगातार विधायक अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे अशोक गहलोत को लेकर और पार्टी को लेकर, तो आखिर किस भरोसे पर सचिन पायलट ने इतना बड़ा दावा कर दिया है? शुक्रिया प्रज्ञा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो है सचिन पायलट अगर दावा कर रहे हैं तो वो गलत भी हो सकता है, लेकिन इसको दावे को समझने से पहले, इस पर यकीन करने से पहले हमें इस फॉर्मेट को समझना पड़ेगा कि दरअसल राज्यसभा चुनाव में होता क्या है। देखिए, इसमें हम सबको पता होता है कि फिक्स वोट होते हैं, फिक्स वोटिंग भी होगी, क्योंकि जनता का इसमें कोई जो है उनका हाथ ही नहीं होता, जनता पे है ही नहीं। तो हम लोग को पता है कि जितना एमएलए ही सिर्फ इस पे वोट कर सकते थे, जितने एमएलए हैं, और इसी को हम, इसी चीज को लेकर हम सब ने देखा कि किस तरह से जयपुर से उदयपुर, उदयपुर से जयपुर, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा के तैनात जद्दोजहद चला एमएलए को लेकर। खरोद पकौर के जो भी आरोप लगे, एक दूसरे पे खूब इल्जाम भी लगे, कांग्रेस के नेता विश्नोई को राहुल गांधी मनाते भी नजर आए, और शायद हो सकता है आज मिल भी सकते हैं। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा, तो इसमें लगभग पहले ही पता होता है सबको कि राज्यसभा टिकट के लिए, जिसके लिए भेजा जाता है टिकट, जिसको नेता को, उनका पहले से पता होता है कि वो जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि उनके समर्थक में कितना वोट है ये उन्हें पता होता है।
तो यहाँ पे अब दावे को हम लोग समझते हैं, तो सचिन पायलट या अशोक गहलोत जो भी कह रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट को देखा जाए तो उनको पता है, क्योंकि वो उन विधायकों के साथ रहे हैं उदयपुर में जो नाराज चल रहे थे, उन विधायकों के साथ खड़े हुए थे जो कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, उन विधायकों के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे सचिन पायलट, जो बगावती तौर अपना रहे थे। तो बाखूबी है कि वो इस बेस पे कह रहे होंगे कि उन्हें पता था, इसीलिए तो उन्हें नजरबंद किया गया था, इसीलिए तो उन्हें बुलाया गया था ताकि वो जो है वोट किसी और को ना दें, और जो खास करके अपने ही जो है मतलब ठीक अपने जो उनके प्रत्याशी हैं उन पर पड़े। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि सचिन पायलट जो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि चुनाव का ये जो राज्यसभा चुनाव है ये एक विधान या लोकसभा चुनाव जैसा नहीं, तो शायद वो जो कह रहे हैं वो हो भी जाए। जी बिल्कुल, हाँ हो सकता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसमें पहले से ही पता होता है पार्टी को कि किन विधायकों को उन्हें समर्थन मिलने वाला है। लेकिन इसी पे मैं कहना चाहूंगी, जिस तरह से अगर बात करें आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की, तो उन्होंने विधानसभा जाने से पहले ये बयान दिया कि नेताओं को जबरदस्ती बंद करके रखा जा रहा है बाड़ेबंदी के नाम पर, साथ ही जो नेता वहां नहीं पहुंचे हैं उनके यहाँ उनके घर पर उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, फोन टैप किए जा रहे हैं, साथ ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और साफ तौर पर उन्होंने अपनी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर के की है कि अगर इस तरह से जबरदस्ती अगर समर्थन मांगा जाएगा विधायकों से तो वो किसी को भी अपना समर्थन नहीं देंगे, इतनी बड़ी बात उन्होंने इसमें कही। तो आखिर क्या कुछ ऐसा, देखिए जाहिर सी बात है कि अगर आप विधायकों का समर्थन मांग रहे हैं तो इसमें देखने वाली बात है कि आखिर क्यों जबरदस्ती विधायकों का समर्थन मांगने की जरूरत पड़ रही है, इस पर मैं आपका छोटा सा जवाब चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा जी, मैं इस पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये इतने बेशरम लोग हैं, इन्हें ये समझनी चाहिए कि देखिए जो है अपने नेता और विधायक को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। पहली बात तो एक दूसरे पे आरोप लगाने से पहले इन्हें ये सोचना चाहिए, अपनी जमीन को देखना चाहिए, खुद के विधायक बिकने के लिए तैयार है वो नहीं दिख रहा है क्या? सोचिए, खुद ही बिकने के लिए तैयार है तभी तो कोई आरोप लगा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये सब जो है आरोप प्रत्यारोप तो होती रहती है राजनीति में, लेकिन मुझे उन नेताओं पे शर्म आता है जिसको जनता चुनकर भेजती है पार्लियामेंट में, संसद में, विधानसभा में, वो आज बिकने के लिए तैयार रहते हैं चंद पैसों के लिए। जी बिल्कुल, काफी आपने काफी सही बात कही कि काफी शर्मनाक है ये बात कि चंद पैसों के लिए वो विधायक पार्लियामेंट में बिक जाते हैं जिन्हें जनता पूरे विश्वास के साथ वहां तक पहुंचाती है। तो देखिए जिस तरह से हम लगातार आपको इस राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार अपडेट दे रहे हैं, क्या कुछ बयानबाजी हो रही है इस पर भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं, और जिस तरह से वोटिंग जारी है, आखिर जाहिर सी बात है कि चुनाव है, वोटिंग है, तो बयानबाजी तो होगी, लेकिन किसके वादे कितने सच्चे साबित होते हैं वो तो आज शाम 6 बजे के बाद पता चल ही जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 4 बजे तक वोटिंग होनी है और उसके बाद 6 बजे ये ऐलान भी कर दिया जाएगा कि आखिर किसको कितना समर्थन मिला और जीत का सहरा किसके सर सजा। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। देखो भाजपा कुछ मर्जी कहती रहे, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये राज्यसभा के चुनाव शुद्ध रूप से संख्या बल पर निर्धारित होते हैं, ये अफवाहों पर या क्लेम पर या प्रलोभन पर कोई समझ नहीं होता। हमारा जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे विधायकों की जो स्ट्रेंथ है उसके आधार पर आलाकमान ने यहाँ पर भेजे थे, और तीनों कैंडिडेट, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, हमारे तीनों कैंडिडेट अच्छे वोटों के साथ जीत कर जाएंगे और राजस्थान की आवाज़ को बुलंद करेंगे दिल्ली के अंदर। आज जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं हम सभी जानते हैं क्यों हो रहे हैं, अधिकांश राज्यों में ये चुनाव बिना कंटेस्ट के होते हैं क्योंकि जिस पार्टी के पास जितना संख्या बल है उसके आधार पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। कुछ राज्यों में भाजपा ने जितनी उनकी स्ट्रेंथ थी उससे ज़्यादा लोग खड़े करे हैं। आज राजस्थान में चुनाव है 4 सीटों पर, और यहाँ पर कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार खड़े करे हैं। भाजपा ने एक उम्मीदवार खुद का खड़ा किया है और एक कथित रूप से निर्दलीय है, लेकिन वो भाजपा के ही 10 विधायकों ने उनका समर्थन किया उनके नामांकन में। कांग्रेस के पास हमारे खुद के विधायक, हमारे सहयोगी दलों के विधायक और हमारे निर्दलीय जो हमारे को समर्थन कर रहे हैं पिछले 3 साल से, उन सबकी संख्या बल मिलाकर 125 से ज़्यादा होती है। और अब जब मतगणना होगी शाम को, मुझे लगता है कि जितनी हम लोगों को उम्मीद थी उससे ज़्यादा वोट हम लोगों को मिलेंगे, और हमारे तीनों प्रत्याशी मुकुल वासनिक जी, रणदीप सुरजेवाला जी और प्रमोद तिवारी जी अच्छे बहुमत के साथ जितना हम अनुमान लगाते हैं उससे अधिक मतों के साथ जीत कर जाएंगे। और तीनों ऐसे नेता हैं जिनको सोनिया जी, राहुल जी ने राजस्थान में भेजा है ताकि अपर हाउस में, राज्यसभा में एक प्रबल आवाज़ बनकर भाजपा की सरकार का विरोध कर सकें, क्योंकि राष्ट्र पार्टी होने के नाते हमें ज़रूरत है ऐसी मुखर आवाज़ों की जो राज्यसभा में राजस्थान की बात को रख सकें। इसलिए तीनों उम्मीदवार जीतकर जाएंगे, इसमें किसी को कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। और जो विधायकों को साथ रखने की बात कई बार कही जाती है, मैं मानता हूँ ये आवश्यक इसलिए हुआ कि
क्योंकि कोई भी विधायक नहीं चाहता था उस पर कोई दबाव पड़े, और अब लगभग हर दल, हर पार्टी, हर राज्य में, हर चुनाव में ऐसा करने के लिए विवश हो गई है। ये परंपराएं पहले नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति पैदा हुई है पिछले 5-7 सालों में देश में कि अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। तो अपनी इच्छा से सब विधायक ने ये चाहा कि हम इकट्ठा रहें, हम सब इकट्ठा रहे 5-6 दिन उदयपुर में, कल जयपुर आ गए थे, लेकिन अच्छे माहौल में एकजुटता से सभी विधायकों ने अपना वोट वो कास्ट कर रहे हैं। शाम तक मतगणना हो जाएगी और राजस्थान में कांग्रेस की तीनों हमारे उम्मीदवार भारी मतों से जीत कर रहे हैं। जो एजेंसीज हैं वो इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, तमाम एजेंसीज का खुलकर अब दुरुपयोग हो रहा है। अब जो केस पहले बंद हो गया था सोनिया जी का, राहुल जी का, उसे दोबारा खोला गया है, सोनिया जी को बुलाया गया है, राहुल जी को बुलाया गया है। इसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी देश में लोगों को जागरूक करेगी कि इस प्रकार का दबाव बनाकर आप विपक्ष की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। और अब सब जानते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है और धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है, पूरा देश भी है। मैं नहीं समझता हूं किसी प्रकार का दबाव या प्रेशर काम करेगा। अपनी आवाज को हम रखेंगे और कितना भी दुरुपयोग करें, हमारे विधायक हमारे साथ हैं और रहेंगे। जो हमारे समर्थन में पिछले 3.5 साल से हैं, सरकार का साथ दिया है, हमारे साथ रहे हैं, कोई वजह नहीं है कि वो हमारे को वोट नहीं देंगे। उन्होंने सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपनी इच्छा जाहिर करी है कि वो कांग्रेस के साथ वोट डालेंगे। और सभी विधायक हैं जो निर्दलीय हैं, उनमें से एक ने भी सुभाष चंद्रा जी के प्रपोजल नहीं बने हैं, वो कांग्रेस के साथ थे और रहेंगे। कांग्रेस पार्टी विल विन विद मोर देन एक्सपेक्टेड वोट्स। राज्यसभा इलेक्शंस आर अ प्योर रिस्पॉन्स टू हाउ मेनी असेंबली मेंबर्स वी हैव इन द स्टेट। वी हैव मोर देन एनफ नंबर्स टू सिक्योर 3 राज्यसभा सीट्स। Unfortunately, BJP has put up one candidate and supported another independent. But no matter how much they try, no matter what pressure and what allurements one might come forward with, the Congress party candidates will win in Haryana and in Rajasthan.